क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बाजीगर हैं, जादूगर हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को भी अपने खेल के जादू में हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन इतना शार्प है कि हर बॉल पर उनकी नजर रहती है, हर कोने पर उनकी नजर रहती है। मगर इन्हीं धोनी ने गुजरात के खिलाफ फाइनल मुकाबले में आखिरी बॉल देखी ही नहीं। जी हाँ, जडेजा ने जिस बॉल पर विनिंग चौका मारा, वो चौका धोनी ने देखा नहीं। धोनी नीचे देख रहे थे, पैड उठाने लगे और ये सब कुछ धोनी टोटका था। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का टोटका खासा वायरल हो गया है जब धोनी ने मैच देखना ही बंद कर दिया, मैच देखने से इनकार कर दिया और फिर मैच के बाद खुद बताया कि वहाँ पर हुआ क्या था, क्यों धोनी को लगता था कि वहाँ पर जड्डू चौका मार नहीं पाएंगे। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं धोनी का वो टोटका, धोनी ने कब क्या किया, सीएसके की जीत से ठीक पहले क्या हुआ और फिर मैच के बाद माही ने क्या कहा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और धोनी को पसंद करते हैं तो अपनी राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। पिछले साल उनकी टीम आईपीएल में फिसड्डी रही थी, लेकिन इस बार उसी टीम को उन्हीं खिलाड़ियों के साथ चैंपियन बना दिया। अब धोनी के क्रिकेटिंग ब्रेन की हर तरफ तारीफ होती है, उनके अंदाज की बात होती है, मगर यहाँ पर धोनी का टोटका खासा वायरल हो गया है जो कि गुजरात के खिलाफ मैच के दौरान सामने दिखा और ऐसा वायरल हुआ कि लोग अब ढूंढने लगे हैं कि ऐसा क्या हुआ, धोनी ने ऐसा क्यों कर लिया। तो वो हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन बनाने थे, मगर पहली चार बॉल में सिर्फ 3 रन बने और पांचवी बॉल में जड्डू ने छक्का मार दिया। आखिरी बॉल पर 4 रन की जरूरत थी। अब मोहित शर्मा की ये बॉल शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही धोनी ने मैच देखना बंद कर दिया। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से पैड पहने हुए थे। आउट होने के बाद भी जिन धोनी ने पैड नहीं उतारे थे, वही धोनी अब अपने पैड उतारने लगे थे। धोनी ने नजरें नीचे कर ली। अब कहा तो एक तरफ आखिरी बॉल डाली जा रही थी जो कि चेन्नई के लिए धोनी के लिए सबसे जरूरी बॉल थी, मगर धोनी ने वो बॉल, वो मैच, वो आखिरी लम्हा देखने से इनकार कर दिया और ये पहली बार हो रहा था जब धोनी ने मैच देखने से मना कर दिया। खुद की नजरें नीचे कर ली, नीचे अपने पैड की तरफ देखने लगे, पैड्स को संभालने लगे। अब वहां पर आखिरी बॉल हो रही थी लेकिन धोनी अपने पैड उतार रहे थे, पैड नीचे रख लिए थे। अब वहाँ जड्डू का चौका हो गया, सेलिब्रेशन हो गया और तब तक भी धोनी की नजरें नीचे ही थी। और जब धोनी को फाइनली पूरा भरोसा हो गया कि चौका हो गया, उनकी टीम जीत गई है, तो उसके बाद धोनी खड़े हो गए। हालांकि यहाँ पर भी धोनी ने एक बार फिर नीचे आए, नीचे झुके और अपने पैड्स को सही ढंग से रखा और उसके बाद ही सेलिब्रेशन में शामिल हुए। अब धोनी का यह अंदाज टोटका कहा जा रहा है, खासा वायरल हो रहा है क्योंकि ये सांसें रोक देने वाला मैच था और आखिरी बॉल जो कि बेहद जरूरी बॉल थी, धोनी ने उसे देखा ही नहीं और माही के इस टोटके ने कमाल भी कर दिया। अब भले ही विनिंग शॉट जड्डू ने लगाया, चौका छक्का जड्डू ने मारा, मगर धोनी ने भी सरेआम टोटका करने में कोई कमी नहीं की और मैच के बाद माही ने खुद बताया कि वहाँ पर हुआ क्या था। धोनी ने कहा, मुझे लग रहा था कि वहाँ पर चौका नहीं होगा। जी हाँ, धोनी ने यही कहा, जिस पर कमेंटेटर भी हैरान हो गए। धोनी ने कहा कि मुझे लग रहा था कि जड्डू छक्का मारेगा क्योंकि मुझे जडेजा पर भरोसा था और इसीलिए लग रहा था कि चौका नहीं होगा बल्कि छक्का होगा। धोनी से पूछा गया कि आप नीचे क्यों देखने लगे थे, आखिरी बॉल आपने देखी क्यों नहीं। तो धोनी ने कहा कि मुझे लगा कि अब मैच खत्म होने वाला है, प्रेजेंटेशन के लिए जाना होगा, तो इसीलिए पैड उतार कर खुद को इसके लिए तैयार कर रहा था। और फिर धोनी वहां पर जोर से हंसने लगे, यानी कि कहें कुछ भी, दिखाएं कुछ भी, मगर धोनी ने साफ साफ इशारा दे दिया कि यह उनका टोटका था और वो टोटका काम कर गया। अब जो भी हो, धोनी ने मैच के साथ साथ दिल भी जीत लिया और ये टोटका तो माही का खासा वायरल हो गया है और लोग इसके लिए धोनी को सलाम कर रहे हैं। तो आपका धोनी के अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।